I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying. So, दोस्तों स्वागत है आपका अद्भुत व्लॉग के एक और नए एपिसोड में। और आज हम लोग आपको बनाना सिखाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता घर में कैसे बनाया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों बस ये थोड़े से इंग्रेडिएंट है हमारे पास, मिल्क, मैदा, पास्ता और ये हमारे पास ऑरिगेनो और यह पिज्जा चिली और ये हमारे पास बटर। तो बस ये थोड़ी सी चीजें हैं, इनके साथ हमारा पूरा व्हाइट सॉस पास्ता बन जाएगा। पास्ता ऑलरेडी उबल रहा है, जुड़े रहिए, मजे लीजिए, मौज करिए। सो गाइस अपना पास्ता जो है वो उबल के रेडी हो चुका है, अब करते हैं आगे की कार्यवाही। तो ये हमने ले लिया है अपनी कढ़ाई, इसमें सबसे पहले हम बटर डालेंगे। तो गाइस अपना बटर जो है हमने डाल दिया है, बटर के साथ साथ हम लोग डालेंगे अपना इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैदा। दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले जब आपने बटर लिया, बटर के साथ आपने जब अपना मैदा डाला, मैदा डाल के जब आपने अपना पेस्ट बनाना है ना, तो आपको दूध जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ एकदम से नहीं डालना है। तो अभी फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा दूध करके ही डाल रहे हैं। ये देखो जम गया पूरा इसमें। तो गाइस हमारा जो पेस्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब इसके अंदर हम डालते हैं ऑरिगैनो। सबसे पहले इसे हमें चलाते रहना है। थोड़ी सी गांठें मेरे इसमें पड़ गई हैं, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, आपको बताऊंगा कैसे उसे सुधारा जा सकता है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। बढ़िया, इसमें मैंने इससे पहले थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। अब इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। मोटू कम ऑन, मैं अपनी धर्म पत्नी से थोड़ा सा जो है मदद ले रहा हूँ। मोटो इसमें अब थोड़ा सा आप वो हल्की सी लाल मिर्च पाउडर डाल दो। ये हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। मोटो अब इसमें आप उठा के वहां से पास्ता भी डाल दो। कच्चा तो नहीं लग रहा? ये क्या बात है छांस की चांदनी। आपने कोई वेजेस नहीं डाले प्याज कुछ नहीं? केचप की जरूरत नहीं है व्हाइट सॉस पास्ता में। तो इसको बस अब करना है क्या है, ऐसे मिक्स कर लेना है। बहुत आसान तरीके से ये मिक्स भी हो जाएगा। लग रही है ना कैड़ी बातचीत दोस्तों, बिल्कुल मार्केट जैसा स्वाद आने वाला है यहाँ पे, और मोटू की हड्डी हिलने वाली है हमारी। सो दोस्तों व्हाइट सॉस पास्ता हमारा रेडी हो चुका है, जो कि फिलहाल दिव्या जी उतार रही है प्लेट में, और अभी मैं टेस्ट करके बताऊंगा आपको कैसा लगा, कैसा बना है ये। वैसे मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, मैंने ऑनलाइन ही देख करके बनाया है, बाकी लेट्स सी कैसा है। तो दोस्तों मैं आपको अपना एक रिव्यू देना चाहता हूँ। यहाँ पर पास्ता जो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार बना था, नमक बहुत ज्यादा कम था उसके अंदर, बाद में डाला हमने लेकिन पता नहीं क्यों टेस्ट नहीं आया। हाँ लेकिन मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ इस बात का कि कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ वेजीज जलती हैं इसके अंदर, स्वीट कॉर्न्स जलते हैं जो मैंने नहीं डाले, स्किप कर दिए थे, और मैंने जो मैदा लिया था वो थोड़ा ज्यादा ले लिया था क्वांटिटी में। तो कोशिश आप करें जब भी बनाएं तो मैदा बहुत थोड़ा सा ही इस्तेमाल करें, तभी आपका पेस्ट अच्छा बनेगा और टेस्ट अच्छा आएगा। और जो चीजें डलती हैं, जो वेजीज डलती हैं, वो जरूर डालें, उसके बिना बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, वो टेस्ट भी नहीं आएगा, एक फ्लेवर होता है वो नहीं आया था। तो मेरा वाला जो पास्ता है वो अच्छा नहीं बना, ये पूरी तरीके से हमारी रेसिपी जो है वो फेल हो गई। अगली बार जब हम लोग बनाएंगे तो नई रेसिपी से बनाएंगे, नया बनाएंगे और आपको नई चीज दिखाएंगे। ओके बाय बाय।